हेलो एवरीवन, वेलकम टू स्टार आईक्यू। स्टार आईक्यू के इस वीडियो प्लेटफॉर्म पे आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आज 20 अगस्त 2021 के हरियाणा करंट अफेयर इस वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं। स्टार आईक्यू पे अगर आप पहली बार आए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। अगर आप मुझसे अन अकेडमी पे पढ़ना चाहते हैं तो आप लोग डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए गए मेरे प्रोफाइल लिंक पे क्लिक करके मुझे अन अकेडमी पे फॉलो कर सकते हैं। प्यारे बच्चों, आप हर संडे अन अकेडमी पे SSC कॉम्बैक्ट का हिस्सा बन सकते हैं और इस बार 22 अगस्त को एक मेगा कॉम्बैक्ट होने वाला है। वैसे तो हर संडे ही अनअकैडमी पे कॉम्बैक्ट होता है, बिल्कुल फ्री होता है। आप टेस्ट सीरीज जरूर लगाइएगा अनअकैडमी पे। ये वाली 50 मिनट का टेस्ट होता है, 40 इसमें क्वेश्चन आते हैं और आप लोगों को अनलॉक करना है इसको स्टार आईक्यू कोड के माध्यम से। स्टार आईक्यू कोड का इस्तेमाल करके आप लोग इस SSC कॉम्बैक्ट का हिस्सा बन सकते हैं। वैसे तो आप लोगों को हर महीने जो या हर संडे जो होता है कॉम्बैक्ट, उसमें आप लोगों को 1 से 3 रैंक अगर आप लाते हैं तो आप लोगों को सब्सक्रिप्शन SSC का फ्री मिल जाता है। 4 से 10 में 75% इसकी स्कॉलरशिप है। 11 से 50 रैंक में 50% की स्कॉलरशिप है। 51 से 500 में 25% इसकी स्कॉलरशिप है। लेकिन इस बार मेगा कॉम्बैक्ट में क्या होगा, अगर आप जस्ट अटेम्प्ट ही करते हैं ये टेस्ट तो आपको क्या होगा, आपको 1000 लकी विनर्स में आप में से कोई आईपैड मिनी जीत सकता है, एप्पल एयरपोर्ट जीत सकता है, JBL स्पीकर और अमेजोन वाउचर्स। तो आप लोग अपने टेस्ट सीरीज को लगा ही सकते हैं के साथ में ये अमेजिंग गिफ्ट वाउचर्स भी जीत सकते हैं अन अकेडमी पे। ध्यान रहे, स्टार आईक्यू अनलॉक कोड जरूर इस्तेमाल करें। कल आपसे सवाल पूछा था, उसका सही जवाब क्या होगा, हरियाणा में कहाँ के बहादुर बेटे विकास खत्री को मिलेगा शौर्य चक्र। शौर्य चक्र मिलने वाला है बहादुरगढ़ के बहादुर बेटे विकास खत्री को। आज का पहला क्वेश्चन क्या होगा कि विश्व कौशल प्रतियोगिता के मद्देनजर आईटीआई गुरुग्राम में एक राज्य स्तरीय प्रतियोगिता का आयोजन किया गया। ये प्रतियोगिता वर्ष 2022 में किस देश में होने जा रही है। विश्व कौशल प्रतियोगिता वर्ल्ड स्किल कॉम्पिटिशन साल 2020 में संघाई शहर में होने वाला है और ये संघाई शहर चाइना का है, यानी कि इस क्वेश्चन का ए ऑप्शन बिल्कुल ठीक रहेगा। युवाओं में कौशल विकसित करने के लिए यानी कि स्किल को डेवलपमेंट करने के लिए चाइना के संघाई में साल 2022 में जो है विश्व कौशल प्रतियोगिता होने वाली है और उसी को मद्देनजर रखते हुए गुरुग्राम के अंदर जो है एक राज्य स्तरीय प्रतियोगिता का आयोजन किया गया जिसमें 500 बच्चों ने हिस्सा लिया। पहले नंबर पे जो इस प्रतियोगिता में रहा था उसको 11,000, दूसरे वाले को 5100 रुपये जो है वो इनाम दिया गया था। इस प्रतियोगिता में अपने कौशल का जो जिसने भी प्रतिनिधित्व किया था या अपने कौशल को जिसने भी दिखाया था। चाइना की बात करते हैं तो भारत और चीन की लाइन को आप क्या कहते हैं, मैकमोहन लाइन कहते हैं। इसकी कैपिटल बीजिंग है जहां दुनिया में सबसे पहले 5G इंटरनेट और 6G इंटरनेट का ट्रायल किया गया। 5G इंटरनेट पूरा देश जो है वो तो साउथ कोरिया के अंदर लागू हुआ पूरा देश, लेकिन बीजिंग के अंदर क्या हुआ, केवल सबसे पहले शहरों में आया, पूरे देश में साउथ कोरिया में 5G आया है। राष्ट्रपति यहाँ के सी जिनपिंग है, करेंसी यहाँ की रेनमिनबे है और पॉपुलेशन यहाँ की कितनी है, 139.77 करोड़ है, जो कि दुनिया में सबसे ज़्यादा है। अगला क्वेश्चन है, हरियाणा के मुख्यमंत्री हाल ही में किस यूनिवर्सिटी से KG to PG स्कीम को लॉन्च किया है। KG to PG का मतलब है कि आप पहली क्लास से लेके और मतलब लास्ट के पोस्ट ग्रेजुएशन तक आप लोग जो है ना एक ही जगह पे पढ़ेंगे, बार बार आपको यूनिवर्सिटियां स्विच नहीं करनी पड़ेगी, कॉलेज स्विच नहीं करने पड़ेंगे। ये स्कीम KUK के अंदर लॉन्च की है, यानी कि ए ऑप्शन इसका ठीक रहेगा। KUK के एलुमनी मीट 2021 में शामिल हुए थे और एलुमनी पोर्टल, मेंबरशिप रजिस्ट्रेशन, आज़ादी का अमृत महोत्सव के जिंगल्स, 2021-22 का शैक्षणिक कार्यक्रम और KG to PG, ये सभी स्कीमों को लॉन्च किया है। साथ ही मल्टीपर्पज स्पोर्ट्स हॉल का भी शुभारंभ किया कुरुक्षेत्रा यूनिवर्सिटी के अंदर अभी हाल ही में मुख्यमंत्री जी ने, तो इस बात को आपको यहाँ से याद रख लेना है। अगला सवाल आपका क्या होने वाला है कि हरियाणा के हर जिला मुख्यालय पर मॉडर्न पंचायत भवन बनाए जाएंगे, इसकी घोषणा किसने की है। आपको याद होगा थोड़े समय पहले पानीपत का जो इसराना आपका क्षेत्र है, पानीपत का जो इसराना क्षेत्र है ये हरियाणा का पहला
मॉडर्न विलेज बना है, इस बात को मैंने शायद पढ़ाया भी होगा आप लोगों को। और अब क्या है कि हर जिला मुख्यालय में मॉडर्न पंचायत भवन बनाए जाएंगे, इसकी घोषणा की है हरियाणा के उपमुख्यमंत्री दुष्यंत चौटाला ने। छठे उप मुख्यमंत्री है दुष्यंत चौटाला, उन्होंने इसकी घोषणा की है। क्या कि हरियाणा प्रदेश की पंचायती राज संस्थाओं को सशक्त बनाने के लिए, थोड़ा उनको सक्षम बनाने के लिए इसकी घोषणा की गई है। और इस कड़ी में सरकार ने हर जिला मुख्यालय पर मॉडर्न पंचायत भवन बनाए जाने का निर्णय लिया है। हरियाणा के छठे उप मुख्यमंत्री है दुष्यंत चौटाला। पहले उप मुख्यमंत्री का नाम चांदराम, जो कि हरियाणा के झज्जर से। अच्छा, हरियाणा के पहले मुख्यमंत्री भी हरियाणा के झज्जर से ही थे और पहले उप मुख्यमंत्री भी चांदराम जो है वो झज्जर से ही थे। पर्यटन मंत्रालय ने देश में आतिथ्य और पर्यटन उद्योग को मजबूत करने के लिए मेक माई ट्रिप प्राइवेट लिमिटेड के साथ समझौता किया है। और मेक माई ट्रिप का हेडक्वार्टर कहाँ पे है? मेक माई ट्रिप का हेडक्वार्टर प्यारे बच्चों गुरुग्राम में है, यानी कि बी ऑप्शन इसका ठीक रहेगा। पर्यटन मंत्रालय यानी कि मिनिस्ट्री ऑफ टूरिज्म ने साइन किया है मेक माई ट्रिप एंड आई बीबो ग्रुप, इन दोनों के साथ में समझौता किया है। वैसे किसके लिए? पर्यटन डिपार्टमेंट को बढ़ावा देने के लिए, ताकि जो है ना पर्यटन डिपार्टमेंट में थोड़ा सा रुझान है। पर्यटन एक्चुअली होता क्या है, पर्यटन एक प्रकार से यूं कहिएगा जैसे सरकार को बहुत ज़्यादा बेनिफिट होता है। मान लेते मोरनी में आप घूमने गए हो, तो मोरनी में आप घूमने गए कोई बात नहीं, लेकिन अगर विदेशी रूप से पहचान होगी तो विदेशी जितने आगंतुक आएंगे तो सरकार का इकोनॉमी जो है ना वो बढ़ जाएगा अपने आप में। तो ये बात आप लोगों को यहाँ से याद करनी है। और ये एग्रीमेंट जो है वो निधि यानी कि नेशनल इंटीग्रेटेड डेटाबेस एंड हॉस्पिटैलिटी इंडस्ट्री के तहत में जो है ना वो पूरा किया गया है, इस बात को भी आप याद करना। और इसमें जो मिनिस्ट्री ऑफ टूरिज्म जो है ना, इसके यूनियन मिनिस्टर का नाम जी किशन रेड्डी है, ठीक है, तेलंगाना से ये जीते हुए हैं। और मिनिस्ट्री ऑफ स्टेट जो है वो कौन है? श्रीपद येसो नायक हैं। और अजय भट्ट भी है, ठीक है, श्रीपद येसो नायक गोवा से जीते हुए हैं। अजय भट्ट जो है वो नैनीताल से जीते हुए हैं, उत्तराखंड से। और मेक माई ट्रिप जो है ना, इसके सीईओ का नाम राजेश है और इसका हेडक्वार्टर कहाँ पे है? गुरुग्राम हरियाणा में। 65 साल की उम्र में हरियाणा के मुख्यमंत्री किस यूनिवर्सिटी में दाखिला लेंगे? लो भाई, हमारे मुख्यमंत्री साहब भी पढ़ने लगेंगे अब, और ये कुरुक्षेत्र यूनिवर्सिटी में ही दाखिला लेने वाले हैं। बी ऑप्शन इसका ठीक रहेगा। आपको मैं बता देता हूँ, हरियाणा के मुख्यमंत्री जी ने जो है ना, अब तक कोई ऐसा पहले तो मुख्यमंत्री हुआ ही नहीं है जो कि इस उम्र में पढ़ने वाला होगा। पहले ही ऐसे मुख्यमंत्री है जो कुरुक्षेत्र यूनिवर्सिटी में दाखिला लेने वाले हैं। और करेंगे क्या सर, ये जापानी भाषा को सीखेंगे। अच्छा, दिल्ली के सीएम केजरीवाल जो है ना, इनके पास में कुरुक्षेत्र की यूनिवर्सिटी की डिग्री है। अरविंद केजरीवाल ने जो 1984 से 1985 में टॉप 7 की सूची में जो है स्थान हासिल किया था पी इंजीनियरिंग के अंदर। जीवन के 65 साल पूरे कर चुके हैं मुख्यमंत्री साहब, और अब ये जापानी भाषा के सर्टिफिकेट एंड डिप्लोमा कोर्स में दाखिला लेने वाले हैं कुरुक्षेत्र यूनिवर्सिटी के अंदर। कुरुक्षेत्र यूनिवर्सिटी जो है ये हरियाणा की पहली यूनिवर्सिटी है। 1956 के एक्ट के तहत ये यूनिवर्सिटी बनी है। और इस यूनिवर्सिटी के जो आपके वर्तमान में जो वीसी हैं उनका नाम सचदेवा है, वो भी बात याद रखिएगा। रेहड़ी लगाने के लिए अलग से जगह देने के लिए किस जिले में स्ट्रीट वेंडिंग जोन की शुरुआत की गई है? किस जिले से शुरुआत हुई है? ये पंचकुला से शुरुआत हुई है। हरियाणा के हर एक जिले में इसकी शुरुआत होगी, अलग से स्ट्रीट वेंडिंग जोन होने वाला है, ठीक है ना। और इसका उद्घाटन किया है ज्ञानचंद गुप्ता, जो कि हरियाणा विधानसभा के स्पीकर है, पंचकुला से जीते हुए हैं। इस वेंडिंग जोन के लिए नगर निगम की ओर से सब्जी है, खाने पीने की है, या अपने जो जो सुविधा की अकॉर्डिंग जो है ना ये वेंडिंग होने वाले। ये रेडी कुछ इस प्रकार की है, ये कियोस्क कहिएगा, जिन्हें आप जब मर्जी ओपन करें कर दे, बंद कर सकते हैं, खुला छोड़ के जा सकते हैं, मतलब परमानेंट फिक्स टाइप की जो है ना ये जोन बनाया जाएगा। पंचकुला से शुरुआत हुई है इसकी, और इसे हरियाणा के हर एक जिलों में जो है वो लगाया जाएगा, ताकि अतिक्रमण ना हो, भीड़ भाड़ ज्यादा ना हो। हरियाणा का राष्ट्रीय दूध उत्पादन में कितना योगदान है? हरियाणा राज्य का राष्ट्रीय दूध उत्पादन में कितना योगदान है? 5.56% योगदान है। बी ऑप्शन सही रहेगा इसका हमारा। मैं आपको बता देता हूँ, हरियाणा का प्रति वर्ष दूध उत्पादन 117.34 लाख टन है, और जून 2021 तक जो प्रति व्यक्ति दूध उपलब्धता थी तो 1142 ग्राम थी। जुलाई 2021 तक हो चुकी है 1344, जो कि हरियाणा की पूरे भारत में सबसे ज़्यादा है। और हरियाणा में पशुधन विकास बोर्ड की स्थापना कब हुई है? 13 जनवरी साल 2000 को हुई है, इस बात को भी आप याद रखिएगा। इसी के साथ इस लेक्चर को समाप्त कर रहा हूँ। आपके लिए क्वेश्चन है कि किस कंपनी ने ओलंपियन मीराबाई चानू को न्यूट्रीलाइट का ब्रांड एम्बेसडर बनाया है? एमवे इंडिया, जोमेटो, बाटा, इनमें से कोई नहीं, बताइए विस्तार से। कल फिर हाजिर होऊंगा लेटेस्ट अपडेट के साथ में, तब तक आप हंसते मुस्कुराते जरूर रहना।